हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से जो गवर्नमेंट स्कीम है, मुख्य रूप से हम केवल गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे जो 2017 से लेकर 2018 जनवरी तक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा जो 2018 की है, उन सभी परीक्षाओं में गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये गवर्नमेंट स्कीम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लगभग 10 गवर्नमेंट स्कीम को देखेंगे और 2-3 पार्ट में सारे गवर्नमेंट स्कीम को हम कवर करेंगे। हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जो गवर्नमेंट स्कीम थे उसका वीडियो अपलोड कर दिया था, अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जो गवर्नमेंट स्कीम होगी उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर आएगा। तो ये मुख्य रूप से 2017 से लेकर 2018 मतलब नवंबर 2016 के भी गवर्नमेंट स्कीम इसमें शामिल है। तो लगभग एक वर्ष के जो गवर्नमेंट स्कीम है उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट स्कीम है उसकी वीडियो तो अलग आती है, उसमें लिखा भी होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसमें लगभग 8 से 9 गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे, लगभग 10 गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, अब उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर, क्रैश कोर्स और जीएस टेस्ट सीरीज सभी संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने परीक्षा को, अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दीजिए, एक नया मार्ग दीजिए। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे और देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम। सबसे पहले दुलारी कन्या योजना, हम इन योजनाओं के अंतर्गत जो मेन मेन पॉइंट होंगे उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। तो दुलारी कन्या योजना, ये 26 जनवरी 2017 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वी षणमुगनाथन द्वारा दुलारी कन्या योजना का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा इस कन्या योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जो राज्य में शिशु मृत्यु दर होती है उनमें कमी लाना, इस दुलारी आप समझ रहे ना, दुलारी जो बच्चे होते हैं वो प्यारे होते हैं, तो उस बच्चों में वो जो उनकी शिशु मृत्यु दर होती है उसको, उसमें कमी लाना, उसको कम करना, ये उद्देश्य है। इस योजना के तहत जिस बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा, राज्य सरकार बालिका के खाते में 20,000 रुपए जमा करेगी। यह राशि बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद ब्याज सहित दिया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्याज सहित दिया जाएगा। अगले नंबर पर चलते हैं, अगले योजना की तरफ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। 4 नवंबर 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मतलब योजना के साथ साथ किस मंत्रालय के द्वारा उस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के तहत सुरक्षित गर्भावस्था एवं सुरक्षित प्रसव के जरिए मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब सुरक्षित प्रसव और उसके साथ साथ सुरक्षित गर्भावस्था का एक तरह से अभियान है, जिसके जरिए जो मातृ होते हैं और जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो मृत्यु दर होती है उसमें कमी लाना, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसके तहत देश भर में लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा और प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक और उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसव से पूर्व जो देखभाल होती है, जो एक तरह से सुरक्षा होती है, देखभाल होती है, उन सभी को मुफ्त रूप में उपलब्ध कराएगी 9 तारीख को प्रत्येक माह की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच के पश्चात चिकित्सकों के लिए मातृ एवं सुरक्षा कार्ड भरना अनिवार्य होगा। जो चिकित्सक होंगे उनके लिए, जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनकी जांच के बाद जो चिकित्सक होंगे उस स्वास्थ्य केंद्र में, उनके द्वारा मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड भरना अनिवार्य होगा, जिसका एक तरह से इंग्लिश में नाम है एमसीपी कार्ड, मातृ एवं शिशु यानी चाइल्ड सुरक्षा प्रोटेक्शन कार्ड। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण का। तो 20 नवंबर 2016 को मैंने बोला था नवंबर तक की जो गवर्नमेंट स्कीम है उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा यानी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सभी के लिए आवास का शुभारंभ किया। यहां पर सर्व नहीं है, ये सभी है, तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो सभी के लिए आवास का शुभारंभ किया है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ग्रामीण के लिए है।
इसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए से 1.6 लाख रुपए तक के प्रत्येक परिवार को सहायता तथा लाभार्थी की आवश्यकता अनुसार 70,000 रुपए बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है। मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए से 1.6 लाख रुपए तक प्रत्येक परिवार को सहायता और लाभार्थी की जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार लगभग 70,000 रुपए बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से संरक्षित पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्य रूप से इसका जो डेड लाइन है या डेड पॉइंट है, जो एक तरह से कहते हैं अंतिम जो समय काल इसका निश्चित किया गया है, वो वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित, याद रखेगा, जो पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंटल रूप से ज्यादा अच्छा हो उस प्रकार के पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगले नंबर पर चलते हैं, कौशल्या सेतु अभियान। 19 अक्टूबर 2016 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा छात्रों के कौशल विकास हेतु कौशल्या सेतु अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के छात्र जो 10वीं कक्षा या SSC परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी उत्तीर्ण ना हो पाए हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन्हें कौशल विकास के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं, वात्सल्य मातृ अमृत कोष। ये 7 जून 2016 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो नई दिल्ली में है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वात्सल्य मातृ अमृत कोष। यह उत्तर भारत का सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ा राष्ट्रीय मानव दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केंद्र है। याद रखिएगा, उत्तर भारत का सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ा राष्ट्रीय मानव दुग्ध बैंक, उसके अलावा दुग्धपान परामर्श केंद्र है। इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार, ओस्लो विश्वविद्यालय और नीपी का मतलब नॉर्वे इंडियन पार्टनरशिप इनिशिएटिव के सहयोग से हुई है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इस कार्यक्रम का या इस कोर्स का उद्घाटन किस प्रकार किया गया, मतलब किस किस के द्वारा किया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, दीनदयाल रसोई योजना। 7 अप्रैल 2017 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी की जगह पर इस योजना को शुरू किया गया है, दीनदयाल रसोई योजना। इसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 5 रुपए में भोजन प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, मतलब कम से कम 5 रुपए में लोगों को भोजन प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। याद रखिएगा, वर्ष 2017 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कौन सा वर्ष मनाया गया है, गरीब कल्याण वर्ष। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आयु संबंधी बीमारियों जैसे कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, विकलांगता, ये सभी आयु संबंधी बीमारी होती हैं, तो इनका सामना कर रहे जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे सुनने की मशीन, व्हील चेयर, चश्मा, ये सभी क्या है, ये एक उपकरण है, एक सामान है जो आयु संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनमें सहायक होते हैं, तो इनको प्रदान किया जाएगा। किसको, जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक हैं जो इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो उनको उनके जीवन को सामान्य बनाने के लिए ये मशीन या फिर ये उपकरण उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में लगभग 5,20,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। याद रखिएगा, इतने वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना इस योजना के तहत 3 वर्षों में, ऐसा उद्देश्य रखा गया है। अगले नंबर पर चलते हैं, मुखबिर योजना। मुखबिर योजना, ये 24 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई। मुखबिर याद रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है उत्तर प्रदेश। इस योजना के माध्यम से भ्रूण हत्या के विषय में जनता से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएगी तथा इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब जो इस बारे में सूचना देगा उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाएगा, और जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं भ्रूण हत्या से संबंधित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से घटते लिंगानुपात पर प्रभावी
से जो है रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है मुख्य रूप से जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने, मतलब प्रायः ये चीजें देखी जाती हैं, सामान्यतः कहीं कहीं बदल भी जा सकती हैं, आप की बात नहीं करते हैं, पर सामान्य रूप से जो बेटियां होती हैं गरीब परिवार उनकी जो है शिशु पर ही मतलब उनकी हत्या कर देता है। तो मुख्य रूप से जो ये लिंगानुपात में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, लिंगानुपात कहीं पर बहुत ज्यादा कम है, कहीं पे हाई है, जैसे आप केरला में देख लेंगे वहां पर लिंगानुपात ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अपने हरियाणा में देख लेंगे वहां पर भी लिंगानुपात पहले कम देखा जा रहा था, अब जो है औसत बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जो ये घटता लिंगानुपात है उस पर ये कार्यक्रम के द्वारा एक तरह से मुखबिर योजना के द्वारा अंकुश लगाया जाएगा, ठीक है। सूचना प्रदाता को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, जो ये सूचना देगा, जो ये बताएगा कि इनके द्वारा जो है बच्चों को मारा जा रहा है, शिशु हत्या की जा रही है, तो उस व्यक्ति को, उस सूचना प्रदाता को 2 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों और लोग इसके बारे में बताएं, और जब लोग बताएंगे तो लोग इससे डरेंगे, बच्चों की हत्या या मृत्यु नहीं करेंगे। और जो ये जानकारी देगा, मैंने पहले ही बताया था कि उसका नाम जो है वो गोपनीय रखा जाएगा। अगली योजना, मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय योजना, ठीक है। तो 12 जुलाई 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना जो 2017 से 2022 के लिए है उसका शुभारंभ किया है। हो सकता है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय योजना का वर्ष क्या है या फिर इसका समय काल क्या है, तो 2017 से 2012 है और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसको प्रारंभ किया है, मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति योजना। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में देश के विभिन्न भागों से मलेरिया की स्थानिकता के आधार पर, यानी एंडेमिसिटी के आधार पर समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, 5 वर्षों में मलेरिया की जो स्थानिकता है उसको समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना। 20 जुलाई 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना यानी नेशनल फैसिलिटेशन ट्रेड एक्शन प्लान का शुभारंभ किया। यह भारत में व्यापार की सुविधा और व्यवसाय के नियमों को सरल बनाने हेतु एक रोड मैप प्रस्तुत करेगा। याद रखिएगा, जो व्यापार की सुविधा और व्यवसाय है उसके जो नियम कानून है वो थोड़े जटिल है, तो उसी को सरल बनाने के लिए एक रोड मैप, एक रूपरेखा प्रदान करेगा। वैश्विक व्यापार प्रणाली हेतु विश्व व्यापार संगठन व्यापार सुविधा समझौता यानी WTO का जो ट्रेड है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये एक इसके लिए, मतलब ये जो एक योजना है, एक प्रणाली है, ये इस विश्व व्यापार संगठन का जो व्यापार सुविधा समझौता है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक तरह से उसका उसके लिए एक सहयोग के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ गवर्नमेंट स्कीम 2017 से 2018 के लिए, मुख्य रूप से नवंबर 2016 से भी संबंधित थे। तो जो जो महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्कीम होंगे उन सभी को राष्ट्रीय स्तर के हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे, और ये पार्ट नंबर 1 था, इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए जितने पार्ट बनाने पड़ेंगे हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।